वेलकम टू पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप खुश रहें, आबाद रहें। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर ले, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द मिल सके। तो मेरा नाम है फान। मेरा नाम मंसूर सुगैस है। मैं एक और नई वीडियो के साथ, इसमें आज हम जानेंगे भाई सूर्य कुमार यादव मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड। पाकिस्तानी मीडिया वाज शॉक्ड, मतलब वो शॉक्ड हो गए उसके बारे में, सारा कुछ कह रहे हैं। क्या बोलते हैं को वीडियो देख कर ही पता चलेगा। तो वीडियो को ओरिजिनल लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो बिना किसी देरी के काउंट करते हैं 3-2-1 एंड स्टार्ट। आपने देखा होगा किस तरह उन्होंने 360 बाउंड्रीज के साथ सेंचुरी मारी है वहाँ पे। तो अगर इस तरह का ही वो खेलते रहेंगे तो फिर तो मेरा ख्याल है बर्थ और बढ़ जाएगी। वो तब से कर रहे होते हैं कि उनको खिला खिला के ऐसे उन्होंने वो मशीनें बन गई। हाँ, कमाने वाली एडवर्टाइजमेंट उनकी ज्यादा है यार। वो अच्छा, उसकी मुझे शॉट भी मिली क्योंकि जैसे ऐसे उसने मारा ना वो उसकी बहुत अच्छी लगी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। अच्छा सर, क्रिकेट का शौक रखते हो? जी रखता हूँ क्रिकेट यार। एक्सीडेंट से पहले पहले तो मैं बड़ा शौक रखता था, लेकिन अब खेल नहीं सकता, लेकिन मैं देख सकता हूँ अच्छी तरह। मैक्सवेल का तो पता ही होगा आपको। हाँ, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर जो उसने ना सूर्य कुमार यादव को लेके ये बोला है कि हम बिग बैच लीग में इसको खरीद नहीं सकते, ये बहुत महंगा प्लेयर है। क्या वो वाकई इतना महंगा? एक क्लास देखो तो फिर बाबर आजम वगैरह के और कोहली की है, और अगर हिटन देखो तो फिर वो सूर्य कुमार यादव का कोई नहीं। बिल्कुल, जैसे हमारा फरीदी था ऐसे हिटर के तौर पर बहुत अच्छा। हाँ, जिस तरह की सूर्य कुमार यादव की परफॉर्मेंस जा रही है कि वो वाकई इतना महंगा हो सकता है? है बिल्कुल, चारों तरफ बिल्कुल। तो क्या आपको लगता है वो आने वाले वक्त में एबी डिविलियर्स को बीट करेगा जिस तरीके से एबी डिविलियर्स खेलता रहा? नहीं, ये भी डिविलियर तो एक बहुत बड़ा प्लेयर है, उस जैसा बन नहीं सकता, लेकिन हाँ कोशिश कर रहे तो बन सकता। हाँ, लेकिन फिलहाल जो एबी डिविलियर है वो तो फिलहाल एक स्टार है। स्टार है भाई। सूर्य कुमार यादव को लेके ये बोला है यार, वो बन सकता है, मेहनत बंदा कर रहा है तो क्या कुछ नहीं कर सकता। क्या आपको लगता है इतना महंगा है? जी, हर प्लेयर का एक अपना अपना टाइम होता है। एक टाइम था कि हमारा फरीदी का भी सबसे महंगा प्लेयर वो था आईपीएल में। तो अब जाहिर सी बात है वक्त के साथ साथ, जैसे कि अब हारिस भी हमारी टीम का, वो भी एक अच्छा प्लेयर है, लेकिन अब सूर्य कुमार यादव भी अच्छा प्लेयर है, तो उसका टाइम है, बस टाइम चल रहा है। तो यही बात है कि वो इतना महंगा बिक रहा है। बैटिंग अच्छी करता है, इसमें कोई शक नहीं है। वो पूरी ग्राउंड यूज करने वाला बैट्समैन है। एबी डिविलियर्स के बाद ये दूसरा बैट्समैन कोई है? जी बिल्कुल, ऐसे ही एबी डिविलियर्स भी बहुत अच्छा बैट्समैन था, लेकिन आजकल बस उसका टाइम चल रहा है। तो मैक्सवेल ने क्या देख के ऐसा बोला है? मैक्सवेल खुद भी एक बहुत अच्छा और बड़ा प्लेयर रह चुका है, उसको उसमें कुछ ना कोई क्वालिटीज या हॉबीज नजर। बिल्कुल यार, बिल्कुल। सूर्य कुमार यादव के बारे में उन्होंने बात की। इंडियन प्लेयर्स वैसे भी नहीं किसी लीग के अंदर खेलते जहाँ तक मेरा नॉलेज है, वो आईपीएल के अलावा और किसी भी लीग में। हाँ, हाँ। तो अगर वो बिग बैश के लिए कोई भी बात कर लेते हैं, मेरा ख्याल है वो वैसे ही एक इलॉजिकल सी बात है, क्योंकि जब हर बंदे को पता है कि भाई इंडियन प्लेयर्स ने किसी और लीग में जाके खेलना ही नहीं, तो फिर आप चाहे कोई भी बात करी, जो कि वो पीएसएल नहीं खेलते, वो बीपीएल नहीं खेलते, वो श्रीलंकन प्रीमियर लीग नहीं खेलते, या फिर वो कोई और अफगानिस्तान प्रीमियर लीग बना लो, वो नहीं खेलते। हाँ। तो भाई जब वो कोई और लीग खेलते नहीं, तो आपको लगता है वो इतना महंगा प्लेयर है जी उस परफॉर्मेंस के लिहाज? यार अभी तक वैसे मैं भी उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन पाकिस्तान के अगेंस्ट वो नहीं चलते, ये तो एक आप कह लो अभी तक फैक्ट है। पाकिस्तान के अलावा भी रिसेंटली उनकी न्यूजीलैंड के साथ सीरीज चल रही है, सेंचुरी मारी है उसने। हाँ, वहाँ पे मैं वही बात करने लगूँ ना, वहाँ पे उन्होंने, आपने देखा होगा किस तरह उन्होंने 360 बाउंड्रीज के साथ सेंचुरी मारी है। तो अगर इस तरह का ही वो खेलते रहेंगे तो फिर तो मेरा ख्याल है बर्थ और बढ़ जाएगी। न्यूजीलैंड के खिलाफ अभी उसने ये पास में मैच हुआ, उसने बहुत अच्छी इनिंग के लिए 111 रन किए। 111, हाँ हाँ बिल्कुल, सेंचुरी जो इसने मारी थी ना, उसका रेट हाई लेवल भी हो। इंडियन प्लेयर्स को पाकिस्तान में पीएसएल भी खेलना आना चाहिए यार, क्यों नहीं हम दोनों मुल्कों के ऐसे हालात को ठीक करें? ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, फिलहाल दोनों मुल्कों की गवर्नमेंट को बैठकर सोचना चाहिए टेबल पर कि दोनों मुल्क अगर खेलेंगे तो ये ग्रोथ में ना आने वाली ग्रोथ जो होगी उनमें मोहब्बत प्यार। बिल्कुल, ये क्रिकेट एक ऐसी पेशा है क्रिकेट जिससे दोनों मुल्क पास आ सकते हैं दोनों एक दूसरे। आप भी मुझे स्पोर्ट्समैन ही लग रहे हो, खेलते हो आप क्रिकेट? हाँ क्रिकेट खेल। तो अभी तक आप किस लेवल पर खेल चुके हैं? फिलहाल तो हम गली की क्रिकेट में। आपसे पहले मैंने एक और बंदे से भी बात की, वो भी कह रहा था यार पाकिस्तान में चांस नहीं मिल रहा, क्या वजह? चांस क्यों नहीं मिल रहा? चांस आपको पता ही है, चांस मुश्किल ही है, पाकिस्तान खेलना बहुत मुश्किल है फिलहाल आज के दौर में। फिलहाल ठीक है, बाकी ये बेनिफिट है पीएसएल में, इधर अगर बच्चा मेहनत करे तो आगे जा सकता है। तो हमारे ऐसे प्लेयर क्यों नहीं महंगे किसी बोर्ड में जाके हो रहे? क्या हमारे पास ऐसे हिटर अभी मौजूद नहीं है? नहीं, हमारे पास हिटर है लेकिन हमारी मार्केटिंग नहीं होगी। मार्केटिंग नहीं करेगा, मार्केटिंग हमारी परफॉर्मेंस नहीं करेगी। हमारी परफॉर्मेंस करेगी उसके बाद, एक जैसे
हमने इमरान खान बनाया है और उसके बाद शायद अफरीदी है, हमारे पास ब्रांड नहीं बना पा रहे ब्रांड। हाँ बिल्कुल, और इंडिया का हर प्लेयर ब्रांड है, मशहूर हुआ ही नहीं कोई, हमारा ब्रांड नहीं बन सका कोई, ब्रांड बनेगा तो उनको लोग फिर पूछेंगे ना। क्या आपके लिहाज से इंडिया अपने प्लेयर्स को ब्रांड बना रहा है? प्लेयर बना रहा बना है, रहा है। तो उसको पूरी वाइडवर्टाइज करते हैं, उसके बाद उनके उनको वो खेलते हैं, फिर वो बाहर उनका मीडिया बड़ा बहुत ज़्यादा उनको अप्रिशिएट करता है, उठाता है, हमारा मीडिया नहीं उठाता, हमारा मीडिया सिर्फ सियासत के अलावा और बिल्कुल यार स्पोर्ट्स पे बहुत कम बात होती है, ज्यादा एयरवाइज करता है जो जियो न्यूज करता है, दूसरों तो इसी बात पर लगे हुए। आपको पता है दुनिया के तीन अमीर तरीन क्रिकेटर कौन है? हाँ जी कोहली लगता है मुझे, कोहली दूसरे नंबर पे, टॉप थ्री इंडियंस ही है, पहले पे तेंदुलकर आते हैं, दूसरे पे कोहली, तीसरे पे तीनों धोनी आ रहा है। तो इसकी क्या रीजन है? इसकी रीजन ये है कि हमारे प्लेयर्स को इस तरह से ग्रूम क्यों नहीं करते, हमारे प्लेयर सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं ना, वो अपनी फिजिकल को उनके क्रिकेटर खेलते हैं ना, आपने कभी उनका तब से सुने, मैं सुनता रहता हूँ उनके जो है ना फॉर्मर प्लेयर जो वो तब से कर रहे होते हैं कि उनको खिला के ऐसे उन्होंने वो मशीनें बन गई कमाने वाली, एडवर्टाइजमेंट उनकी ज़्यादा है, परफॉर्मेंस उनकी कम है, हमारे लोगों की एडवर्टाइजमेंट कम है लेकिन परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, अगर इनको वही माहौल हमारे प्लेयरों को मिल जाए तो उनसे ज़्यादा चैनिक नहीं, हमारे पास टैलेंट ज़्यादा है, मैं सोचा हमारे जो बॉलर है उनसे बेहतरीन क्लास है, हमारी बॉलर की बहुत ज़्यादा क्लास, उनकी बैटिंग में अच्छी क्लास है, हमारी बॉलिंग में अच्छी क्लास है, लेकिन हमारी वो ना पब्लिक सिटी नहीं है, उनकी पब्लिक सिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। हमारा शहीन शाह अफरीदी अभी 24 साल का है, उसकी नी की इंजरी हो गई है, तो इतनी सी एज में इंजरी का क्या तुक्का बनता है? ये मिस मैनेजमेंट है, इन्होंने फिजियो अच्छे नहीं रखे, फिर इसके बाद एक हमारा जो ना ये वैसे भी हमारा पाकिस्तान और इंडिया का ना वैसे खाने एक तरह की है, लेकिन इन्होंने ये खाने पीने में ध्यान नहीं रखते, फिजिक्स अच्छे नहीं रखते, हाँ बिल्कुल अच्छे रखें ना, अपना ख्याल रखें, डाइट करें, जिम करें, ये थोड़ा सा करें तो ये अच्छा, इसी वजह से हमारी इंजरी ज़्यादा। तो सूर्य कुमार यादव पे हम बात कर रहे थे, उनकी कौन सी शॉट आपको अच्छी लगती है, लाइक वो 360 पूरी ग्राउंड में खेलने वाला एक वाइड प्लेयर है एबीडी विलेज के बाद, यार वो अच्छा उसकी मुझे शॉट भी देते तो जैसे ऐसे। हां बिल्कुल, एक बीसीसीआई का रूल है कि वो अपने प्लेयर्स को किसी भी और फील्ड के अंदर, किसी भी और लीग के अंदर नहीं खेलने की इजाज़त देते, एनओसी नहीं देते। अगर इजाज़त देते हैं तो क्या आपको लगता है इतना महंगा ही है? हाँ, फिर अगर वो इजाज़त दे अपने बीसीसीआई अपने प्लेयर्स को एनओसी दे तो फिर वो हो सकता है उनकी वर्थ इतनी हो। कौन सी शॉट आपको अच्छी लगती है? उनकी जो पीछे की शॉट बैक शॉट यार, वो मुझे भी अच्छी लगी, मुझे भी यार बहुत अच्छी लगी है, मैं तो बहुत बड़ा फैन बनी हूँ, इस टाइम सिर्फ मैं नहीं बना हुआ, पूरी दुनिया बनी हुई है, पूरी दुनिया बनी है, और वो यार इसकी प्राइस बहुत ज्यादा और ये टॉप पे जाएगा, ये टॉप पे जा रहा है बिल्कुल, इसने जो ये रन बनाए ना, और पाकिस्तान भी इसकी फैन बन गई, पूरी दुनिया इसकी फैन बन गई, अफान भाई तभी इसके वाहिद ऐसा ये प्लेयर है, दूसरा दुनिया का दूसरा, मतलब जितना पीछे क्रिकेट चालू हुई है ना अब तक खेल रहे हैं ना, दुनिया का दूसरा प्लेयर ये है जो चारों तरफ खेलता है, चारों तरफ दूसरा प्लेयर है ये जबरदस्त, और देख ले भाई कितनी परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है, सबसे ज्यादा अमीर है ना वर्ल्ड में वो तीनों की तीनों इंडियन है, कोहली हो गया एक और, पैसों की जरूरत ही नहीं है, वो खेल रहे हैं तो यार अपने मुल्क के लिए खेल, मुल्क के लिए अपना मुल्क का नाम रोशन करने के लिए, क्रिकेट ना भी खेले ना तो उनके पास इतना पैसा है कि वो आराम से बैठ के खा सकते हैं। यार इस टाइम पे सूर्य कुमार यादव का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, अफान भाई हर बंदा है फैन है, बच्चा बच्चा इसका फैन है, और ये वाले शॉट हर किसी को अच्छी लगती है, सी मारते है ना वो जबरदस्त, यार चांस वाली बाल उसे मिल जाए ना तो बाल वो इसी तरह मारता है, एक होता है ना जो फ्रंट पे खेलता है बैक पे ये चारों तरफ मारता है, जिधर बाल आ गई जिधर आ जाए मार जाता है, और यार हिटर प्लेयर है भाई, यार हमें इसमें बहुत ही अच्छा लगा है, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, तो यार बाय।